मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर हिंदी लैंग्वेज क्लास. ओके, सो लेट्स रेडी विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज कहानी लेखक. चैप्टर 13, कहानी लेखक. सो ओपन योर बुक, रेडी विद योर चैप्टर, चैप्टर 13. ओके, पेज नंबर 57. सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक कहानी है. कहानी को पहले मैं आपको बताऊँ, कहानी के बारे में पहले मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ, फिर आपको इस कहानी को लर्न करना है. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. एक बार एक कौवा था. कौवा उड़कर कहीं जा रहा था. रास्ते में उसे एक रोटी दिखाई दी ना, रास्ते में उसे एक रोटी दिखाई दी. उसने वो रोटी अपनी चोंच उठाई और उड़कर दूर जाके एक पेड़ पर बैठ जाता है. जैसे ही वो पेड़ पर बैठता है, उसको नीचे एक लोमड़ी देख लेती है, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है. यू नो, लोमड़ी बहुत चालाक होती है. उसने देखा कि कौए के पास तो रोटी है, तो उसने उस रोटी को पाने की इच्छा से, उसे लालच था कि ये रोटी मुझे मिले, इसलिए उसने योजना बनाई और पहुंच गई कौए के पास. कहने लगे, कौए भाई, मैंने सुना है आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, तो क्यों ना आप मुझे अपनी मीठी आवाज़ एक गाना सुनाएं. कौआ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया. उसने कहा, वाह, मैं इतना अच्छा गाता हूँ. उसने जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच को खोला, वैसे ही उसकी चोंच से रोटी नीचे ज़मीन पर गिर गई. बस लोमड़ी तो यही चाहती थी. उसने झट से वो रोटी उठाई और खा ली. अब तो कौए के पास कुछ भी नहीं था. कौआ बेचारा काँव काँव करता ही रह गया. तो बच्चों, ये कहानी थी एक चालाक लोमड़ी की. चालाक लोमड़ी, जिसमें एक कौवा है और एक लोमड़ी है. ओके, कौवा उठ के जाता है, उसे एक रोटी दिखाई देती है. उसने रोटी को उठाया, चोंच में रखा और वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है. बाद में उसे जब लोमड़ी देखती है, तो चूंकि वो उस रोटी को पाना चाहती थी, इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई जिसमें वो सफल भी होती है. और कौवा बेचारा बिना रोटी के काम काम करता रह जाता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता. तो बच्चों, आपने सीखा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. दिस इज आवर हिंदी लैंग्वेज बुक. ओपन इट ऑन पेज 57. ओके, कहानी लेखक. बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स, कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिनके नामों को लिखकर हमें इस कहानी को कंप्लीट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, आपको ये किसकी पिक्चर दिख रही है? ये है एक कौवा, तो हम लिखेंगे एक कौए. ओके, क्या लिखेंगे? कौए. को एक, व्हाट इज दिस? ये क्या है बच्चों? यस, ये है रोटी. एक कौए को एक रोटी. यस, यहाँ पे हम लिखेंगे रो टी. मिली, वह रोटी लेकर एक, व्हाट इज दिस? बच्चों, ये है एक पेड़. तो वो रोटी लेकर एक, हम यहाँ लिखेंगे पेड़, एक पेड़ पर बैठ गया. एक, ये बच्चों किसकी पिक्चर है? ये है लोमड़ी. यहाँ हमें लिखना होगा लोमड़ी. ओके, एक लोमड़ी ने उसे देख लिया, वह रोटी, वह रोटी.
पाना चाहती थी उसने कॉय, यहाँ हम लिखेंगे कॉय, के पास जाकर कहा, मित्र तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे एक गाना सुनाओ। कॉय ने, यहाँ हम लिखेंगे कॉए, कॉय ने जैसे ही गाना गाने को मुंह खोला वैसे ही उसकी चोंच से रोटी, यस यहाँ हम लिखेंगे रोटी, गिर गई। लोमड़ी, यहाँ पे हमें लिखना है लोमड़ी, लोमड़ी ने तुरंत रोटी, यस यहाँ आएगा रोटी, उठाई और खा ली। बेचारा कौआ, यस वेरी गुड, यहाँ आएगा कौआ, बेचारा कौआ काँव काँव करता रह गया। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस स्टोरी इन योर हिंदी लैंग्वेज बुक, ओके, एंड लर्न द स्टोरी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको कहानी चालाक मम्मी की सुनाई है वो ऑब्वियसली पसंद आई होगी। अब आपका होमवर्क है कि ऐसी ही एक नई कहानी आपको बनानी है, तो आप कोई भी दो जानवर लेंगे, उनकी एक अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में नई कहानी बनाकर अपने पेरेंट्स को सुनाएं। ओके, दैट्स ऑल।